जातिगत जनगणना पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान, कहा अगर देश में नहीं तो राज्य में अलग से करवाने पर करेंगे विचार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा है कि अगर पूरे देश के लिए जातीय जनगणना का निर्णय नहीं होता है तो इस पर राज्य में अलग से करवाने पर विचार किया जाएगा। पत्रकारों द्वारा जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात के संबंध में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार को शाम हम लोग दिल्ली जाएंगे। 23 अगस्त को 11 बजे दिन में प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय तय है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए बिहार जाने वाले प्रतिनिधि मंडल की सूची पहले ही भेज दी गई थी। मेरे साथ पार्टियों के 10 नेता दिल्ली जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के द्वार प्रत्याशी ना करे ये काम वरना रद्द हो जाएगी उम्मीदवारी। बिहार में पंचायत चुनाव कराए जाने की घोषणा के बाद ग्रामीण इलाकों में सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशियों को लेकर मतदाताओं में भी नियम कानूनों को लेकर उपारोह की स्थिति बनी हुई है। नामांकन प्रक्रिया से लेकर प्रचार प्रसार तक नियमों की जानकारी लेने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। प्रशासन भी आने वाले चुनाव को लेकर सभी तरह की तैयारियां में जुट गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव कराने को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन अभ्यर्थियों हर साल में करना अनिवार्य होगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कानून कार्रवाई भी की जा सकती है। अवैध खनन का विरोध करने पर बालू माफियाओं ने किसानों को गोलियों से भूना। बिहार की राजधानी पटना में सटे बिहटा में हत्याओं का दौरा लगातार जारी है। अभी स्वर्ण व्यवसायी मंटू साहू और शनिवार को हुए मुखियापति पिंटू साहू और सिद्धनाथ की हत्या की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि शनिवार को देर रात एक बार फिर से बालू माफियाओं ने हत्या की घटना को अंजाम देकर इलाके में सनसनी मचा दिया। बिहटा के अमानाबाद में अवैध बालू खनन करने वाले बालू माफिया की हत्या की घटना को अंजाम दिया है। कोरोना वायरस महामारी व प्रतिबंधों के बीच महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी उत्सव शुरू। कोरोना वायरस महामारी और लोगों के आवागमन पर जारी प्रतिबंधों के बीच मुंबई एवं महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव की शुरुआत हुई है। हालांकि इस साल त्यौहार में पारंपरिक धूमधाम का अभाव है। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया और कहा है कि भगवान गणेश की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और इसके विसर्जन से पहले किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। रक्षाबंधन के मौके पर बिहार का बाजार गुलजार हो गया है। व्यवसायियों ने अकेले पटना में ही इस वर्ष पर करीब 91 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान लगाया है। रविवार तक यह आंकड़ा 100 करोड़ के पार आसानी से हो जाएगा। इसमें राखी और मिठाई के साथ सबसे अधिक कारोबार गिफ्ट के लिए हुआ है। हर भाई अपनी बहन और हर बहन अपने भाई के लिए इस मौके पर स्पेशल करना चाहते हैं।